हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सेल्फ मेड व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि आज मम्मी से होम टूर कराऊँ। हाँ जी हाँ, आपने सही सोचा कि मैंने सही बोला, मतलब बोला कि आपने समझा। क्या बढ़िया था गुरु। तो कोई नहीं, आज मम्मी करेंगी होम टूर आप लोगों के लिए। मैंने मम्मी से बात कर ली है, मम्मी बोली ठीक है मैं कर दूंगी। तो चलते हैं मम्मी के पास, आप लोग जाइए क्योंकि मुझे कुछ और काम है तो मैं कर लेता हूँ। मम्मी तब तक होम टूर दे देगी आपको और आप देख लीजिएगा। ओके, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट। तो चल जाके देता हूँ मम्मी को, मम्मी फिर होम टूर देगी आप लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बोलूँ, चलिए मैं अपना घर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपने मेन गेट पे। जो हमारा मेन गेट ये है, जो अंदर से ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। और ये साइड का जो दीवार है ना, ये आप देख रहे हैं सामने से, दोनों साइड का गेट के दोनों साइड में वो थोड़ा सीमेंट वगैरह रख दिया था ना, तो थोड़ा गंदा हो रहा है। और ये जो सामने का एरिया आपको दिख रहा है काला काला, ऐसे कहीं कहीं धब्बा धब्बा जैसा, उसे ना ठीक कराना है। वो कहीं से लीकेज है शायद, पानी का है, क्या है, पानी का ही होगा। तो लॉकडाउन की वजह से मिस्त्री वगैरह दिक्कत है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। और ये गेट जो मैं अंदर बताऊंगी, वही गेट है, क्योंकि ये गेट ना हमारा हॉल, क्योंकि रेंट के हिसाब से बनाया है ना हमने, खुद के लिए तो बनाया नहीं है। और इसलिए घर छोटा है, हॉल भी छोटा है, कमरे भी छोटे हैं। तो सोफा वगैरह रख देने से ना जगह हो नहीं पाता है, मतलब थोड़ा भरा भरा सा लगता है, इसीलिए ये गेट बंद करके रखा हुआ है। और ये प्लांट मेरे हस्बैंड लगा के गए थे, अभी इसका ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हुआ है क्योंकि उतना देख रेख हो नहीं पाता है, करते नहीं है। ये मेरे बेटे की बाइक है। और देखो ये क्या बांध के रखा है, वो इलास्टिक नहीं जो कपड़े से बांध वगैरह कुछ लाओ तो वो बांधने के लिए होता है, वो बांध के रखा हुआ है। फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा गले छोटा है ना, लेकिन एक गाड़ी के लिए काफ़ी है। और ये अंदर जाने का है ये, और ये गेट हो गया जो अंदर जाने का। यहाँ मतलब सेफ्टी के हिसाब से इसको दिल लगवाया था कि बंद कर देंगे अपना रात को, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से फिर अंदर जा कर के आपको मिलेगा ये हमारा तीनों फ्लैट का एंट्री पॉइंट। जो आप इधर से जाओगे तो तीनों फ्लैट में जा सकते हो। और ये देखिए, ये मेरी मिर्ची के पौधे हैं, ये इतने बड़े हो गए, देखो आप, ये विंडो तक जा रही है, लेकिन इसमें मिर्ची एक भी नहीं है। अब देखोगे तो मिर्ची एक भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लग रही मिर्ची। और ये देखो, ये हमने मतलब लाल भाजी लगाया था, जिसे कहीं कहीं लाल साग भी बोलते हैं, हमारे यहाँ लाल साग बोलते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ ना कम है। और वहाँ मिट्टी में लगाया, दिखाती हूँ, वो उसकी ग्रोथ अच्छी है। और देखो ये मेरी बेटी ने बो दिए थे, वो छोले बनाने के लिए सफ़ेद से नहीं होते, वो मतलब भिगोया था तो उसे ला के इसमें डाली है। तो देखो तीन चार प्लांट निकल रहे हैं, ये देखो एक ये हैं बैंगन के पौधे हैं, इसमें भी बैंगन नहीं है। इसे सोच रही हूँ ना कि हटा के और कुछ डालने के, कुछ कोई और बीज डालूंगी। फ्रेंड, जो मैंने वो दिखाई ना आपको लाल भाजी, उसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ देखो, ये बड़े हैं ना, पता नहीं एक ही दिन लगाया था एक ही टाइम में, लेकिन ये इतने बड़े हो गए और वो बढ़ नहीं रहे। ये देखो हमारा, ये देखो ये क्या है, ओल, हमारे ओल कहीं कहीं सुरन बोलते हैं ना, वो है निकल रहा है। और फ्रेंड्स, ये मेरा गैलरी है और ये फ्लैट, दोनों सेम ही है। ये देखो बच्चों ने वो रख दिया ताला। तो ये किराए पे चढ़ा है, अभी ये लोग घर गए हैं। और इधर से सीढ़ी है जो ऊपर को जाती है, और इधर से मतलब ये हम एक फ्लैट है और ये दूसरा, और ये किए
तीसरा जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो चलें अंदर चलते हैं। और ये आता है, इन करते ही हॉल आता है। एक कमरा ये सामने जो दिख रहा है आपका, आपको सॉरी, तो एक कमरा ये है और वो विंडो है। और ये शुरू में जो आपने देखा है, मतलब वो गेट डोर, वो वाला गेट यही है, यहीं पे खुलता है। लेकिन ऐसा है ना कि मतलब स्पेस उधर से, ये सोफा का जो दोनों दो सीटर है ना, वो इधर कर देने से स्पेस कम हो जाता है, तो काफ़ी क्लोज ऐसे दिख लगता है। तो इसीलिए हमने वो बंद कर रखा है और ये वाला गेट खोल रखा है। पहले दोनों खुला था। ये फ्रेंड्स वो टाइल्स जो है ना, ये किचन का बचा हुआ था, तो मिस्त्री लोग बोले कि यहाँ लगा दीजिए। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, वो भी सही बोल रहे, मशीन वगैरह रखेंगे तो थोड़ा सा साफ उफ करने में सही रहता है, इसीलिए एक किचन का टाइल्स यहाँ लगा है। और एक ये कमरा है, इसमें दो विंडो है। और ये जो टेबल है ना, ये सोफा के साथ मतलब हमने लिया था, लेकिन वहाँ पे जगह कम हो रही है इसलिए हमने यहाँ रखा है और वहाँ पे दूसरा टेबल रखा हुआ है। और ये फ्रिज है, जो किचन का गेट हमारा ना छोटा कर दिया था, मतलब चौड़ाई में कम हो गया है। हमने नाप से लिया था लेकिन पता नहीं कैसे लोग मिस्त्री लोग कर देते, तो वो उस वजह से मतलब हमारा वो क्या बोलते हैं, फ्रिज किचन में जाता नहीं है, मतलब वो हो नहीं पाता है, इसीलिए हमने इसे यहाँ पे रखा है। और इधर दो अलमारियाँ हैं जो अभी कपड़े रखे हुए हैं, फिर कभी दिखाऊंगी। ये एक प्लांट है फ्रेंड्स, ये मतलब एक फ्रेंड मेरी आई थी, वो बोल रही थी कि आपके पास दो प्लांट है तो इसे ना इंडोर करके रखिए, अंदर रखिए तो अच्छा रहेगा, इसलिए हमने इसे इस प्लांट को यहाँ पे रखा है। ये मेरी वॉशिंग मशीन ये देखिए, ये टैडी इसकी भी ना बहुत पुरानी कहानी है। मेरी छोटी वाली बेटी 6th क्लास में थी और अभी वो 1 साल में ग्रेजुएट कर हो जाएगी, साथ में CA भी कर रही है। तो 6th क्लास से ये लिफाफे में बंद था ये टैडी। ये तो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, DIY किया हुआ है। और एक कमरा ये है, देखिए मेरा बेटा सो रहा है ये कमरा छोटा है ना। एक प्लांट यहाँ पे रखा है, हमने सोच रहे कि 2-3 और लेके आए और कहीं कहीं रखें अंदर में। ये हमारा इन्वर्टर है, ये हमारा कृष्ण भगवान है हमारे ये मेरे हस्बैंड बहुत पहले लेके आए थे। तो फ्रेंड्स अभी आपने मेरा होम टूर देखा, और अगर आपको किचन देखना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दिखाऊंगी। और अगर कुछ मैंने गलत बोला हो तो आप माइंड मत करना, क्योंकि मतलब नई अभी मतलब वीडियो का आइडिया नहीं है ना थोड़ा सा, इसलिए नर्वस भी रहती हूँ और बोल नहीं पाती हूँ अच्छे से। तो कुछ गलती हो तो आप बताना, सुधार करूँगी। और कुछ अच्छा लगे तो वो भी बताना, उससे थोड़ा मुझे वो मिलेगा कि हाँ चलो कुछ तो मैंने किया जो किसी को पसंद आया। सो व्यूअर्स, आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग? मम्मी के लिए बनाया था, मतलब मम्मी ने बनाया था आज ब्लॉग, तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मम्मी तो मना कर रही थी कि नहीं बनाना मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि भाई मम्मी बना दो यार, थोड़ा अलग होगा आज के लिए। सो मम्मी ने वीडियो बनाया और काफ़ी अच्छा बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पर तो एक थम्स अप बनता ही है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सब में। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।